मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि काफी सारे टिप्स और ट्रिक्स लेके आपके सामने आएंगे। करा था नहीं करा था, और उसी प्रयास के अंदर अब अगला पॉइंट्स और अगला कॉन्सेप्ट को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। और ऐसे कई सारे टिप्स एंड ट्रिक्स डले हुए हैं जिससे कि आप प्रॉब्लम को 10 सेकंड में, 5 सेकंड में, 20 सेकंड में, विद इन मिनट सॉल्व कर सकते हैं। जो क्वेश्चन लोग 10-10 15-15 मिनट में करते हैं, उस क्वेश्चन को आप विद इन फ्यू सेकंड सॉल्व कर सकते हैं, विद इन फ्यू मिनट सॉल्व कर सकते हैं। और ऐसे लेक्चर्स, ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स काफी सारे जो हैं आपको हमारे चैनल पे मिलेगा। तो चैनल पे जाइए और उसे देखिए, उसका बेनिफिट लीजिए। साथ में चैनल पे कई सारे वीडियोज हैं रिलेटेड टू योर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जो कि आपका जेई के लिए, नीट के लिए काफी ज्यादा आपके लिए यूजफुल है। तो उसको यूज कीजिए, लोगों को हमारे चैनल के बारे में बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज्यादा हो सके बेनिफिट लीजिए हमारे काम का। साइट पे जाइए हमारे, वहां से स्टडी मटेरियल को डाउनलोड कीजिए जिसके कई क्वेश्चन आपके एंट्रेंस में आएंगे। साथ में हमारा जो ऐप है इरोडोव सॉल्यूशन का, उसको इंस्टॉल कीजिए ताकि आप इरोडोव से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन के ऊपर वीडियो सॉल्यूशन को देख सकें। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, मैं यहाँ पे आपको काफी काफी इंपॉर्टेंट एक की पॉइंट बताने जा रहा हूं, और ये की पॉइंट काफी ज्यादा यूज हो सकता है आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जेई मेन, जे एडवांस, नीट वगैरह, एंड जो भी डिफरेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन है रिलेटेड विद द बेसिकली जिसमें फिजिक्स इन्वॉल्व होती है। तो वहां पे तब अब आपके दिमाग में ये आएगा कि आखिर ये कौन सा पॉइंट्स है जो सर बताने जा रहे हैं। तो बहुत ही कॉमन सा प्रॉब्लम है, पहले वो देख लेते हैं, फिर उसी को लेकर के आगे मैं उसको एक्सटेंड करूंगा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के लिए। देखिए, यहाँ पे एक ब्लॉक है जिसका मास एम है और स्पीड यू से फ्रिक्शनलेस सरफेस पे चल रहा है, और यहां पे एक स्प्रिंग है जिसकी स्प्रिंग कांस्टेंट के है जो कि एक वॉल से फिक्स है। अब ये ब्लॉक ऑफ मास एम क्या करेगा, इस स्प्रिंग को कंप्रेस करना शुरू करेगा। पहले तो यहां पे जाके कोलाइड करेगा, कोलाइड करने के बाद ये स्प्रिंग को कंप्रेस करना शुरू करेगा। तो पूछा जाता है कि मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग बताइए। तो मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग यहां पे बड़े आसानी से कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का यूज करके निकालते हैं। हालांकि और भी मेथड है जिससे निकाला जा सकता है, बट सबसे अच्छा ये रहेगा कि चूंकि सर्फेस फ्रिक्शनलेस है और स्प्रिंग फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स होती है, तो हम लोग यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा देते हैं। और जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी पहले है हाफ एम यू स्क्वायर, क्योंकि केवल काइनेटिक एनर्जी है, स्प्रिंग की कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, दैट विल बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू द स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी एट द मैक्सिमम कंप्रेशन। क्योंकि ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी एट द मैक्सिमम कंप्रेशन वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ब्लॉक की जो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर है, एट द मैक्सिमम कंप्रेशन सारी की सारी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी चली जाएगी। तो सिंपल इक्वेशन है, उससे आप एक्स एम की वैल्यू निकाल लेते हैं, यू रूट ओवर एम बाई के। बहुत आसान सा प्रॉब्लम है, बहुत ही फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम है जो आता रहता है। आसान तो है, बहुत ही फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम है जो आता रहता है हर जगह पे। अब इसी प्रॉब्लम को मैं एक्सटेंड करता हूं और एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में लेके जाता हूं जहां पे बिल्कुल सिमिलर रिजल्ट आता है, तो उसको आप ध्यान में रख सकते हैं। और ये प्रॉब्लम का मेथडोलॉजी क्या वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन मैं डायरेक्टली पॉइंट बताने जा रहा हूं। अब क्या होता है, दो ब्लॉक सिस्टम होता है, मतलब टू ब्लॉक सिस्टम होता है, लाइक जैसे ये एम वन एम टू का दो ब्लॉक है, चाहे ये हो गया, एंड दे आर कनेक्टेड बाय द स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के, एंड दे आर प्लेस्ड ऑन द फ्रिक्शनलेस सर्फेस। तो इसका जो होता है कि भाई कि मैं एम टू को एक स्पीड यू इनिशियली दे दिया, मैं एम टू को स्पीड यू दे दिया। अब जब स्पीड एम टू को आप दे देंगे स्पीड यू, तो क्या करेगा, बेसिकली स्प्रिंग में धीरे धीरे एक्सटेंशन होना शुरू करेगा और एम वन भी यहां पे मूव करना शुरू कर देगा, राइट। और कहा जाता है इसमें कि बेसिकली कि मैक्सिमम एक्सटेंशन बताइए, मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द सिमिलर वे। यहां पे क्या होता है कि दूसरे केस बन सकते हैं जिसमें एम वन को मैं स्पीड दे देता हूं, तो जब मैं एम वन को स्पीड दूंगा तो इस केस में कंप्रेशन इन द स्प्रिंग होगी, साथ में एम टू भी मूव करेगा। तो यहां पे कहा जाता है मैक्सिमम कंप्रेशन बताइए। तो यूजिंग द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एक तो यहां पे अप्लाई होगा क्योंकि सरफेस फ्रिक्शनलेस है, अब पूरे सिस्टम के लिए मोमेंटम कंजर्व होगा, लीनियर मोमेंटम, क्योंकि बेसिकली कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है आफ्टर इंपार्टिंग द स्पीड यू, राइट। तो पूरे सिस्टम का यहां पे लीनियर मोमेंटम को कंजर्व कराएंगे, और एट द सेम टाइम एक और कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि भाई कि एट द मैक्सिमम कंप्रेशन या मैक्सिमम एक्सटेंशन पे दोनों ब्लॉक की जो स्पीड हो जाती है, वेलोसिटी जो हो जाती है, वो इक्वल हो जाती है, राइट। तो इस बेसिस को, इस तीन पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहां पर डायरेक्टली एक्सएम निकाल सकते हैं, यू रूट ओवर म्यू बाय के, जहां पे म्यू की वैल्यू एम वन इंटू एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू होती है, जिसको हायर लेवल पे या कई जगह पे रिड्यूस मास भी कहा जाता है, राइट। देखिए इन दोनों में एक ही जैसा रिजल्ट है, इसलिए मैं दोनों को
पूरे रिजल्ट को एक जगह लेके आया हूं ताकि आपको ध्यान रखना काफी आसान होगा। बस एम को यहां पे म्यू से रिप्लेस करना है, म्यू की वैल्यू हो जाएगी एम वन इंटू एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू। हालांकि जो मैं मेथडोलॉजी बताया उसको एक और ऑल्टरनेट तरीके से करा जाता है जिससे काफी जल्दी काम हो जाता है, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जाकर के इस प्रॉब्लम को करा जा सकता है बहुत आसानी से, राइट। तो जब मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करवाऊंगा पूरे डिटेल में तो वहां पे बात करेंगे, बट अभी तो मैं टिप्स पॉइंट बता रहा हूं आपको, मेथडोलॉजी तो बता ही दिया मैं बेसिक तरीका, राइट। तो इस तरीके से ये काफी काफी इंपॉर्टेंट है। जस्ट यहां पे m को किससे रिप्लेस करेंगे, म्यू से, और म्यू की वैल्यू किसके करोगे m1 into m2 upon m1 plus m2। बहुत बहुत बढ़िया सा रिजल्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो याद रखना भी आसान है, और इस तरह का कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आ जाए तो आपको इस रिजल्ट का यूज करना आसान हो जाता है काम, राइट। अब बाकी ये तो एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है ही, जो पहला प्रॉब्लम मैंने डिस्कस किया ये काफी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, राइट। तो मैं आपसे देवशिष बात कर रहा हूं और मैं आइंस्टाइन क्लासेस की ओर से बात कर रहा हूं। आइंस्टाइन क्लासेस आपके लिए काफी कुछ हेल्प कर रहा है, नए नए वीडियो बना के, नए नए बेसिकली कॉन्सेप्ट दे करके आपको, राइट। तो डेफिनेटली आपको ये सारा कुछ पसंद आ रहा होगा, तो आप जरूर से वीडियो लेक्चर को लाइक कीजिए, लोगों को हमारे चैनल के बारे में बताइए, अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखिए, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, राइट। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले सेशन में जिसमें कुछ नए कॉन्सेप्ट्स, कुछ नए पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे।